नमस्कार, स्टोरी ऑफ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स उत्पम। ओट्स उत्पम बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है सुबह के नाश्ते में। हमने ओट्स उत्पम बनाने के लिए सामग्री ली है: एक कटोरी ओट्स, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही, 2 बड़े चम्मच तेल उत्पम बनाने के लिए, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। हमने सब्जियों में ये सारी सामग्री ली है, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। अब हम ओट्स उत्पम बनाने के लिए सबसे पहले बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हम सबसे पहले ओट्स को बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। हमने ओट्स को आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। बड़ा बाउल लेंगे, उसमें ओट्स को डालेंगे। अब हम इसमें सूजी डाल लेंगे, नमक भी डाल देंगे और तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें दही डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। हम एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालें। हम इसे गुठलियां खत्म होने तक अच्छे से फेंट कर तैयार करेंगे। अब हम बैटर को ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं बैटर कितना फूल कर गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डालकर मिलाएंगे। अभी बैटर गाढ़ा है, इसमें और पानी डालेंगे। अब बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब घोल न गाढ़ा है न पतला, इसी तरह का घोल चाहिए हमें उत्पम बनाने के लिए। अब घोल बनकर पूरी तरह से तैयार है, अब हम उत्पम बनाना शुरू करते हैं। उत्पम बनाने के लिए हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। तवा को बहुत ज़्यादा तेज नहीं गर्म करेंगे। तवा गर्म हो गया है, अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब हम तवे पर थोड़ा तेल डाल लेंगे और तवे को चिकना कर लेंगे। तेल को अच्छे से लगा देंगे पूरे तवे पे। उत्पम में बहुत ही कम तेल लगता है, ना के बराबर, इसमें बिल्कुल ही तेल नहीं लगा है। अब हम तवे पर 2 चम्मच घोल डाल देंगे और इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं फैलाएंगे। अब हम उत्पम पर कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डालेंगे। अब हम इस पे टमाटर डालेंगे बारीक कटी हुए और हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी डाल देंगे। अब हम सारी चीजों को चम्मच से थोड़ा दबा देंगे ताकि उत्पम में सारी चीजें चिपक लें थोड़ा। अब हम उत्पम को 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पकने देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, उत्पम नीचे से पक चुका है, इसका कलर ऊपर से डार्क होने लगा है। अब हम इसे धीमे से पलट लेंगे, आराम से पलटेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से अच्छा सिक गया है उत्पम। अब हम उत्पम को दूसरी तरफ से भी हल्का ब्राउन सेक लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है इसे। अब हम उत्पम को दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे। अब उत्पम पककर तैयार है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तवे से। ये देखिए कितनी आसानी से उत्पम प्लेट में आ गया है, हमारा एक उत्पम बनकर तैयार है। अब हम इसी तरह से दूसरा उत्पम भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
इस पे भी हम सारी बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। इसको भी हम उसी तरह से सेम पकाएंगे। अब हमारा दूसरा उत्पम भी बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी उत्पम बनकर तैयार है। ओट्स उत्पम बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता होता है सुबह के लिए। इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है और जिसे ओट्स नहीं पसंद है आप इस तरह से ओट्स बनाकर खा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।